हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग मेरे काफ़ी दिन पहले का है, ये मत सोचना अभी का है, 1 वीक पहले का है। और उस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं और मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बजे के करीबन मैं आराम से झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि जब घर में किसी एक की तबीयत ख़राब हो जाती है तो धीरे धीरे सबको फीवर हो जाता है। और मेरे को फीवर काफ़ी दिन पहले हुआ था, जिसकी वजह से मतलब हाथ पैरों में जान ही नहीं है, तो मुझे बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। लेकिन औरतें हैं, काम तो करना पड़ेगा भाई। जो जेंट्स होते हैं उनकी चल जाती है, लेकिन हम औरतें कितना भी बीमार हो, हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है काम करना, उसके बाद फैमिली का भी ध्यान देना, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, सभी का। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आप सभी को पता है। तो बाहर ये 3 चारपाई दिखाई दे रही है, सबसे पहले मैंने इनको लगा दिया था अच्छे से। मैं बाहर ही सोई हुई थी बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डर रहता है ना, हल्का सा फीवर भी किसी को आ जाता है। तो मतलब हस्बैंड अंदर सोए हुए थे रूम में, वैसे उनको कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, शायद उसको सीजनल जो कफ है, खांसी है, वो हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। वैसे चेक वगैरह करवा लिया था, कुछ नहीं था, नॉर्मल था। नया तो बुखार है और कुछ भी नहीं है, बस सीजनल खांसी थी। फिलहाल धीरे धीरे ठीक हो रही है और उन्होंने ड्यूटी से भी छुट्टी ले रखी है, क्योंकि आजकल इस टाइम किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हर कोई सबकी दृष्टि से देखना स्टार्ट कर देता है। और इस चीज़ में मैं कहती हूँ, सबकी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपना प्रोटोकॉल करना चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी ना ठेस पहुँचे। वायरल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बार बार में। अभी खाने के लिए कभी कुछ देना पड़ता है तो कभी कुछ। तो दोस्तों, मैंने झाड़ू वगैरह निकालने के बाद बनाया था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ओट्स, दूध के अंदर बनाए थे, ताकि थोड़ा सा हेल्दी खाना हो जाए। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, हस्बैंड साइड में बैठकर खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड की डाइट बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, बट अब उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है बार बार में कह कहकर। कभी फ्रूट, वैसे वो बिल्कुल भी फ्रूट वगैरह नहीं खाते नॉर्मल डेज में, लेकिन ये टाइम ऐसा है, इसमें थोड़ा सा डर भी लगता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। बार बार में खाना खाना ही सबसे अच्छा होता है। तो मैं अभी सुबह 7:15 का टाइम था, यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ चुकी थी और बड़ी बेटी इसको खिला रही ही है ओट्स, और मैं भी खा रही थी, क्योंकि अब खा लूँगी तो मैं 11 बजे के करीबन खाना खाऊँगी। खाना वैसे दीदी बना रही है, इस टाइम पर हमारे खाना बन जाता है, क्योंकि दादाजी हैं वो जल्दी खाना खाते हैं, तो एक साथ ही सब लोगों का बन जाता है। तो दोस्तों, मैंने खाना मतलब ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था, और उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो कुछ चीज़ें थी, मैं उनको मेंटेन कर रही थी, क्योंकि इधर उधर हो जाती हैं और काफ़ी दिनों से काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। मैं आपके साथ धीरे धीरे सब कुछ शेयर करूँगी। एक्चुअली में सासू माँ जाने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, काम करने का मन नहीं करता लेकिन करना भी पड़ता है, क्या करें। घर में हर किसी की मतलब तबीयत ठीक नहीं है, वैसे ठीक है, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि जब अपना कोई बिछुड़ जाता है तो गोडे से जो होता है ना, बिल्कुल पैरों में दर्द, थकान, काम करने का मन नहीं करना, कमजोरी सी महसूस होती है। तो वही हाल हो रहा है हर किसी के साथ, लेकिन काम तो करना ही है, रोकर करे चाहे हंसकर करे। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे लगा रही थी पोछा, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करना था, पता नहीं क्या हो रहा था, बिल्कुल पैरों में इतना दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, और बेटी मेरी वीडियो बना रही थी तो कैमरा काफ़ी हिल रहा था, सो इस चीज़ को इग्नोर करना प्लीज। मैंने मास्क भी लगा रखा है, और अभी फ़िलहाल घर में भी मास्क लगाते हैं। ये वीडियो काफ़ी दिन पहले की थी, अब फिलहाल थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन हो गई जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो ये पहले की वीडियो है, तो उस टाइम पर मतलब अप्रैल का मंथ था, और ये 15 मई तक काफ़ी ज़्यादा डर था इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा डर तो अब भी है, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। कहीं भी रिलेटिव्स में ऐसी तरह की घटनाएं सुनते थे, डेथ, बहुत बुरी बुरी खबर सुनते थे, तो डर हो जाता है। घर में कोई थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है तो उसके चारों तरफ लोग घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, अंदर का मेरा सारा पोछा हो चुका था, मैं बाहर आ गई थी, और बाहर यहाँ पर 3 चारपाई डली हुई हैं, और यहीं पर सोते हैं हम, क्योंकि यहीं पर ही कूलर लगा हुआ है, तो जिसको कूलर की ज़रूरत होती है तो इन चारपाइयों पर सो जाता है। बच्चे जो दोनों लड़के हैं, मेरे बेटा और दीदी का बेटा, वो दोनों अपने बाबा के पास होते हैं, और मैं और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी की लड़की बाहर सोते हैं। तो ये है कुछ इस तरह है, 3 चार पाई डली हुई है, चारपाई डली हुई है।
तो इनके नीचे थोड़ा सा पोंछा लगाने में दिक्कत होती है, और मैंने आपको कई बार पहले बता रखा है वाइपर से थोड़ा सा पोंछा मुझे मतलब कंफर्ट फील नहीं होता, लगा भी लेती हूँ कभी कभार जब बिल्कुल भी मन नहीं करता लगाने का कि आज बैठ कर लगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है तब लगाती हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा ही इसी तरह से लगाती हूँ। तो इनके अंदर जाना पड़ता है और तब जाकर कोने में जितना भी गर्द मिट्टी होती है वो इसी तरह इस तरीके से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर मैं पोंछा बस बाहर का मैंने पहले ही लगा दिया था और मेरा काम सारा हो चुका था। और हम सबके लिए सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए तो सर के ऊपर दुपट्टे को रखना और फिर घूंघट निकालना। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।